जय गुरुदेव, जय मार्सी। एनसीईआरटी क्लास 9 के मैथ्स की टेक्स्ट बुक है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स जिसमें दो ही टर्म हो, मोनोमियल में एक टर्म हो, पॉलिनोमियल में एक से अधिक हो। हाँ, टर्म्स हो। ये बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल विथ डिग्री 100। इसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास। हाँ, ये सॉल्यूशन है। हाँ, किसमें हमें चाहिए बायनोमियल डिग्री 35। तो ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 ये हो गए हमारे 5y^35 -50। लिख सकते हैं कोई कुछ भी, आप 50y भी लिखना हो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें बायनोमियल दो टर्म है और हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। इसके भी पावर हम कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 12 लगा दिया, मान लो हमने कोई पावर यहाँ कुछ ये लगा है, तो हम यहाँ पर भी कोई पावर दे सकते हैं। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए हमारा, किसी एक टर्म में 35 हो। तो ये दो टर्म हो बायनोमियल, मतलब दो बाय बाइसाइकिल बाय। हाँ, तो इसी तरह बायनोकुलर, बायोस्कोप। हाँ, बाय मीन समथिंग इट इंडिकेट्स अबाउट टू। ये मोनोमीडियस, मोनो मीन्स अकेला। हाँ, ये मोनोमीडियस एक ही टर्म है। ये आपके 12x^100। 12 क्या कोफिशेंट हो गया एक रेस टू बार 100 के, और या इसमें एक ही है, इसमें 100 पावर है। यहाँ वो एक्स की जगह आप जेड ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, टी ले सकते, पी ले सकते, ये ले सकते हैं। 12 की जगह भी आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसका रूट वाले कोई नंबर लेना है या पाई के तरह से कुछ लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर। या मगर जो भी वेरिएबल हो इसके पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये इसमें एकदम सिंपल था। अगर बायनोमियल में मतलब दो टर्म आप याद रखिए, और डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन हाईएस्ट जो पावर होगा उससे हम ये करते हैं। कोई अगर कोई एक्सप्रेशन है 7x^10 +25x^8 +समथिंग समथिंग ऐसे, तो हम उसकी डिग्री को जो हाईएस्ट होगी इसमें 10 उसको ही कंसिडर करेंगे। कभी कभी दो वेरिएबल पर एक ही टर्म में दो वेरिएबल होते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग पावर होती है। जैसे मैं यहाँ टाइमिंग यहाँ से आप ऐसे ही ले लेता हूँ, ये इसको कॉपी करके मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको भी कॉपी करके इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखिए। और ये वही रहने दीजिए, वाई के फॉर्म में रहने दीजिए, इसको 25 बना दीजिए। अब देखिए इस पर हम ध्यान दीजिए आप। अब इसके पावर क्या होगी, ये एक मोनोमिनियल है एक ही टर्म में इसके साथ और इसके या आप इसको। हाँ, तो इसमें देखिए क्या है आपके, क्या यहाँ 100 पावर है, यहाँ 35 पावर है। तो इसकी डिग्री, इस मोनोमिनियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 100 + 35, 135। ये चीज आप आगे चल के पढ़ेंगे और अपने आपके टीचर भी बताएंगे इस तरह की बातें, तो आप ये तब समझिएगा। अभी के लिए इतना ही काफी है आप, क्योंकि हम ये क्वेश्चन 3 जो हमारा था उसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है आपको। आशा है आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, जय महर्षि।